अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इस चैनल पर आए हैं, क्योंकि यूजुअली मैं सारी जो वीडियोस डालता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, जॉब से रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये वीडियो बड़ी स्पेशल है इन द सेंस के ट्रैवलिंग तो बड़े लोग करते हैं, और ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका पासपोर्ट। और वी कांट इमेजिन अगर हमारा ट्रैवलिंग में पासपोर्ट गुम जाए और किसी दूसरी कंट्री में गुम जाए तो हमारे ऊपर क्या सिचुएशन बीत सकती है। तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रिसेंटली हुआ था आयशा के साथ, और इनका पासपोर्ट गुम गया था और अभी ये पाकिस्तान वापस जाने वाले थे, इनके पास सिर्फ 10 दिन रह गए थे। तो ये आज अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि इन्होंने अपना पासपोर्ट कैसे ढूंढा, कैसे ट्रैक किया, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके पास आप जा सकते हैं हेल्प के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलें, तो आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। हाँ जी, थैंक यू सो मच वकार फॉर हैविंग मी टुडे। मैं यहाँ पर, हम लोग रिसर्च पर्पज़ के लिए आए थे, हम पूरा ग्रुप था यहाँ पर, और 3 महीने का हमारा यहाँ स्टे था नॉर्वे में, नॉर्वे बर्गन में। अच्छा, तो आप अपनी थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताएं, कैसे आपका ट्रैवल का प्लान बना और कैसे आपके साथ ये पासपोर्ट और बैग घूमने कैसे हुआ? अच्छा, सबसे पहले इस तरह कि हम लोग, मैंने जिस तरह के पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे 3 मंथ्स के विजिट के लिए आए हुए थे रिसर्च के लिए, और डिफरेंट हम एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारा सडन प्लान बना कि हम लोग नियर बाय एरियाज़ को भी देखें। हम लोग यहाँ से ओस्लो और ओस्लो से बर्लिन गए, और यानी कि जर्मनी। उसके बाद इसी तरह इसी रूट के थ्रू हम लोगों ने वापस भी आना था, और इसी रूट के थ्रू हमने ऑब्वियसली इसी रूट को फॉलो किया और वापस आए। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि यूजुअली हम लोग कहते हैं कि नेविगेशन मोबाइल की ऑन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई मस्ट रिकमेंड कि ट्रैवल में आप लोग अपनी नेविगेशन ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि ट्रैवलिंग के आप बाद में बताती हूँ कि क्या कैसे हमें हेल्प आउट हुआ नेविगेशन ऑन रखने का। आप पहले ये शेयर करते हैं कि बैग घुमा कैसे, हाँ, और आपको कैसे। उसके बाद ये हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग वापसी बर्लिन से ओस्लो आए, ओस्लो से हम लोग बर्गिन एयरपोर्ट पे लैंड किया। एयरपोर्ट से हम ट्रैम ली हमने, और हम ट्रैम से मैं उतरी हूँ। जब स्टेशन पे उतरी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास मेरा हैंड कैरी नहीं है, और उस हैंड कैरी में मेरे पास पासपोर्ट और मेरे सेल्स और करेंसी थी। ठीक है, दो सेल फोन जी, और एक। अब उसी मोमेंट पे हम लोग भागे हैं ट्रैम के लिए, कि उसी ट्रैम को देखने के लिए, उस बिफोर गेटिंग इट टू द डेस्टिनेशन, कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे हम उसको अप्रोच कर लें, दोबारा पकड़ लें ताकि ये कि अगर बैग उसमें पड़ा हुआ है, सीट पे पड़ा हुआ है, तो हम फौरन कोई हमें क्लू मिल जाए, या चलो हो सकता है कोई ड्राइवर को पकड़ा दे तो हमें मिल जाए। तो हम लोगों ने फर्स्ट ये स्टेप लिया। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में नेविगेशन की बात की, तो मेरे घर के लैपटॉप पे जब मैंने स्टार्ट किया, लॉस्ट फाइंड माय फोन, तो वहां से भी आइडिया हो गया कि बर्गन एयरपोर्ट तक सेल मेरे पास था, यानी कि बैग मेरे पास था। आपने फाइंड फोन को यूज करते हुए ट्रैक किया सारा, कहां तक लास्ट आया? लास्ट बर्गन एयरपोर्ट तक आया। उसके बाद हमने फॉरन इनिशियली सोचा कि हम लोग फॉरन किन किन जगह पर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये तो पता चल रहा था कि बैग लॉस्ट है और हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी में है। तो सबसे पहले इनिशियल, क्योंकि हम जब से यहाँ पे आए थे लोगों से डिस्कशन हो रही थी, पूछ रहे थे, तो लोगों ने कहा था कि स्किस यानी कि बी बैन का जो उसका लॉस्ट एंड फाउंड अच्छी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि हम उसको रिपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने ड्राइवर्स को कहा, पर्सनली भी मिलके कहा, उसके अलावा हम लोग इनके लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन अपने बैग की और हर चीज़ की दी कि ये चीज़ें हैं और हम लोगों का इस तरह से हो गया। तो उन्होंने एक अच्छी, एक पॉजिटिव चीज़ ये बताई, उन्होंने कहा कि हमारा लॉस्ट एंड फाउंड अच्छा है, और हम लोगों को तकरीबन 1 मंथ में 7,000 से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मिली, और हम लोगों ने लोगों को हैंड ओवर किए हैं जो जो उनकी बिलोंगिंग्स जिन जिन की थी, तो हम लोगों को उससे थोड़ी सी होप मिली। यहाँ करने के बाद हम फौरन एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे ये हुआ कि एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली टाइमिंग भी नहीं थी, फ्लाइट्स कुछ आ रही थी कुछ जा रही थी, हम लोगों को फ्लाइट के उस नो गो एरिया में विदाउट बोर्डिंग पास कोई भी नहीं जाने देता। लकीली यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप अच्छे से अगर कम्युनिकेट करो तो हर कोई आपको जरूर कोऑपरेट करता है आपके साथ। फिर हमें जो वहाँ पे असिस्ट करने वाले थे, उन्होंने कहा कि आपको हमने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें फुटेजेस दे दें, और लकीली ऐसा ही हुआ कि वो फुटेजेस लेके आए और उन्होंने हमें दिखाया कि आपकी ये फुटेजेस हैं, और यहाँ से ये पैथवेज थे गुजरी हैं, और बैग मेरे पास था एयरपोर्ट के बाहर जाने तक था आपके। एग्जैक्टली, एयरपोर्ट के एग्जिट तक बैग मेरे पास था। थैंक्स टू देम कि उन्होंने हमें फुटेजेस दे दी, वरना कोई भी अनऑफिशियली इस तरह से देता नहीं है, लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट करने पे और हमारी हेल्प के लिए उन्होंने दी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूँ, यूजली जब भी कोई चीज घूमती है आपकी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतनी वैल्यूएबल चीजें घूमती हैं, तो पहला जो डिपार्टमेंट जेन में आता है वो पुलिस का होता है। हम पुलिस के पास जाते हैं, वो और यूजली हमारा कंसेप्ट ये होता है कि बाहर की पुलिस ज़्यादा एक्टिव होती है, वो हमें हेल्प कर देगी। तो आप क्या पुलिस के पास थे गए? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका वकार। हम पुलिस पे भी गए, पुलिस के पास गए, हमें किसी ने कहा कि आप पुलिस में भी रिपोर्ट लाजमी करवा दें, जैसा कि आपने ऑब्वियसली पहला जमा जन्म था कि पुलिस के पास जाए।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि नॉर्वे के यहाँ पे कुछ उनके रूल्स हैं जिसके मुताबिक वो लोग सिर्फ क्राइम को डील करते हैं कि अगर किसी की जान को खतरा हो इस सूरत में वो फोन ट्रेस करते हैं, या मतलब वो उनके लिहाज से कि क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ, कि अगर आपको कोई थेफ्ट होता या आपसे किसी ने स्नैच किया होता तो दे कैन सपोर्ट इन दिस रिगार्ड. लेकिन चूंकि हमारा लॉस्ट वाला सीन था तो वो उनका बड़ा ब्लंट सा एक बिहेवियर लगा, जो कि अगर एयरपोर्ट वाले बहुत अच्छे थे तो पुलिस वालों ने उन्होंने कहा कि, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि देयर इज वेरी लेस होप, आप ज्यादा उम्मीद ना लगाएं. तो यहाँ पे बड़ा एक डिसहार्टनिंग ये फैक्टर था. यहाँ पर फिर अब हमें जब पुलिस ने इतना बिल्कुल ब्लंट सा जवाब दिया तो वही बात है, जहाँ अगर मेरे एयरपोर्ट वालों ने होप्स हाई की थी तो यहाँ से बिल्कुल हो गए कि ये इन लोगों के लिए इतना सीरियस इशू ही नहीं है. ठीक है, ये तो ना तो यहाँ पर किसी को जान का खतरा है. ऑल दो मेरी जान अटकी हुई थी पासपोर्ट के बगैर, तो लेकिन उनके लिहाज से मेरी जान को कोई खतरा नहीं था. वो मुझे पता है कि मैं 3 रातें कैसे नहीं सोई. अच्छा, अब आप जब आपने सारी सिक्योरिटी फुटेजेस देख ली, आपको पता लग गया एयरपोर्ट से बाहर बैग आया था, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? अब ज्यादा हमारा फोकस हो गया था किस पे, यानी कि जो ट्रैम है, या ट्रैम का लॉस्ट एंड फाउंड का. ठीक है, जब हम लोगों को आइडिया हो गया कि ट्रैम में ही है, तो अब हम लोगों ने ट्रैम के भी जो है कैमराज, हमने कहा उसकी फुटेजेस ले लेते हैं तो वो भी हेल्प आउट हो जाएगी. फिर वो हम लोगों ने फिर उसके सारे क्लिप्स वगैरह निकाले, और हम लोग बहुत इस लिहाज से रिलीफ में आ गए थे कि हम बिल्कुल नैरो डाउन हो गए थे कि हम लोगों ने सिर्फ जाना है तो इंशाल्लाह ट्रैम की सिक्योरिटी और उनके ऑफिस जाना है, हमें ना एयरपोर्ट में जाने की, हमें और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. और वाकई इसी तरह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट डे मंडे था, हम लोगों ने दुआएं भी की, सब लोगों ने अपने कंसर्न भी शो किए. हम मंडे को फर्स्ट टाइम गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला बैग वहाँ बास्केट में पड़ा हुआ था, और आई वाज लिटरली, मैंने कहा कि ये मेरा बैग, और मैं मेरे एक्सप्रेशन थे कि भाई वो मिल गया. तो उन्होंने आपको इजीली हैंडओवर कर दिया? उन्होंने उन्होंने पूछा कि आपकी क्या क्या चीज़ें थी, पासपोर्ट था या क्या, तो हमने बताया. जब तक हमने उसको पूरा वैलिडेट किया फिर उन्होंने हमें हैंडओवर किया. तो दिस वाज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमें बैग मिल गया. आई थिंक इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि एक तो उम्मीद ना हारो, दूसरा आपने वो जो नेविगेशन वाली बात की थी वो बहुत जरूरी है ड्यूरिंग ट्रैवल, और अपनी लिस्ट चेकलिस्ट करो. एग्जैक्टली, चेकलिस्ट भी. और दूसरा है कि जैसे ही कुछ होता है इंसिडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हमने ये भी बहुत अच्छा किया, स्टेप लिया कि हमने वेस्ट नहीं किया टाइम, हम आपस में हमने कोई खींचातानी नहीं की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. हमने उसको फोकस किया, हमने सारी एनर्जीज लगाई फाइंडिंग्स पे, तो फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया बैग. चलें जी, थैंक यू, आपने स्टोरी शेयर की. आई होप कि कभी किसी का ना घूमे, लेकिन अगर घूमेगा कुछ तो अब उन्हें अंदाजा होगा कि कैसे सारा, थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी. और थोड़ा सा ये कि आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं, चेकलिस्ट कर लेते हैं, और ट्रैवल में अच्छे से अटेंटिवली इंजॉय भी करें, लेकिन थोड़ा सा चीजों को अटेंटिवली देखें, और खासतौर पर पासपोर्ट ना भूलें. पासपोर्ट अपने पास रखें. पास रखें. तो चलें, थैंक यू सो मच आयशा, आपने अपनी स्टोरी शेयर की. आई होप आप में से किसी को ये स्टोरी यूज़ ना करनी पड़े, लेकिन इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला हो, और अगर कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए इंतज़ार करें. थैंक यू सो मच.